नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगती तो साधारण है और उन चीज़ों के साथ हमारा मोह बंध जाता है और उन चीज़ों को हम अपने घर के अंदर बड़े साथ संभाल के साथ रखते हैं। लेकिन दोस्तों, होता उल्टा है कि ऐसी चीज़ें होने की वजह से हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे हमारा काम चलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे हमें फ़ायदा प्राप्त नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, ऐसी चीज़ें दोस्तों, आप चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी धन क्यों ना कमाते हो, लेकिन यह चीज़ें धीरे धीरे राजा व्यक्ति को भी रंक बना देती है, राजा व्यक्ति को भी कंगाली की तरफ झोंक देती है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ें आपको अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले तो वे लोग जो पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के द्वारा सोचते हैं कि भगवान उनसे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी भगवान के सामने बासी बर्तन नहीं रखने चाहिए। पूजा पाठ के बर्तन हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए। और दोस्तों, दूसरा, जब भी आप पूजा करें तब पूजा की जो भी कोई मूर्ति है, तस्वीर है, खंडित या टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें राहु को आमंत्रित करती है और साथ ही साथ देवी देवताओं के क्रोध को भी बढ़ाती है। घर के पूजा घर में एक साथ एक देवी देवताओं की दो तस्वीरें आपको नहीं रखनी चाहिए और साथ ही साथ अपने घर के पूजा घर के अंदर अपने पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। अगर यह चीज़ें होती है तो भगवान भी आपके साथ नहीं होते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़, कई लोग क्या करते हैं कि नई चीज़ लाने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के साथ से कोई चीज़ खरीद लेते हैं, जैसे कि वाहन। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी अन्य व्यक्ति का वाहन लाने के बाद घर के अंदर दरिद्रता आ जाती है, घर के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती और कई बार हमें दुखों का कारण बनना पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी अन्य व्यक्ति का वाहन खरीद कर लेकर आएँ, आप सबसे पहले पता करें कि वह वाहन उस व्यक्ति के साथ रहा तब उस व्यक्ति को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। इस चीज़ों को देखने के बाद ही वाहन को सही समय और सही मुहूर्त के अंदर अपने घर के अंदर लेकर आना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि घर से बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल को ऐसे ही घर के द्वार के आगे फेंक कर चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसी आदत आपकी गरीबी को झोंकने वाली होती है और ऐसी आदत आपको अमीर नहीं बनाती है। तो दोस्तों, तुरंत क्या करें कि जब भी अपने घर से बाहर से आए और जूतों को एक सही व्यवस्थित क्रम के अंदर, सही जूतों की रेख के अंदर आपको रखना चाहिए और घर के अंदर पड़े एक दूसरे के सामने जूते और उल्टे जूते आपको दरिद्र बना देते हैं, आपको मालामाल बनाने के बजाय आपको कंगाली के अंदर झूर के रख देते हैं। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, घर के अंदर कुछ ऐसी कोने होते हैं जहां पर सर्वाधिक अंधकार होता है और वहां पर हमेशा, चाहे दिन हो या रात, वहां पर रोशनी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, तुरंत प्रभाव से उस स्थान पर सूर्य की रोशनी पड़वाने का या फिर घर के अंदर ही आप रोशनी पड़वाने का प्रयत्न करें ताकि उस स्थान के ऊपर नकारात्मकता अपना निवास नहीं बना ले। तुरंत प्रभाव से वहां से नकारात्मकता चली जाए और देखते ही देखते आपको प्रभावित नहीं करे, इस प्रकार का काम आपको करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, घर के अंदर रखा टूटा फर्नीचर भी आपकी गरीबी का बड़ा कारण होता है। कई बार दोस्तों, किसी फर्नीचर के साथ हमारा मोह हो जाता है और टूटने के बाद भी हम उसको छोड़ते नहीं हैं, उसे ऐसे ही इस्तेमाल करते रहते हैं या फिर इस्तेमाल ही नहीं करते लेकिन एक कोने के अंदर वह पड़ा रहता है। दोस्तों, वह चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है। ऐसी चीज़ें राहु और केतु को आमंत्रित करते हुए कई प्रकार के नकारात्मक दोषों को हमारी तरफ आमंत्रित करती है। तो दोस्तों, तुरंत प्रभाव से सावधान हो जाएं, ऐसी चीज़ें हो तो इन्हें तुरंत आपके घर से हटा दें। इसी तरह दोस्तों, कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं, जैसे कि दोस्तों, अगर आपके घर की तुलसी सूख जाती है तो तुलसी को तुरंत प्रभाव से आप हरा करने के अंदर लग जाएं, या तुलसी जड़ के साथ सूख चुकी है तो तुरंत दोस्तों इसे किसी नदी, तालाब या ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के विसर्जित कर दें। ऐसी चीज़ों को आप अपने घर के अंदर रखेंगे तो दोस्तों नकारात्मकता दो गुने प्रभाव से आपके घर के अंदर बढ़ेगी, न कि घटती है। इसीलिए इसे तुरंत अपने घर से बाहर कर दें। इसी तरह दोस्तों,
घर की रसोई को घर का सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। रसोई अच्छी रहती है तो निश्चित तौर पर रसोई के अंदर सौभाग्य रहता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, रसोई और रसोई के साथ पूरे घर के अंदर मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। दोस्तों माना जाता है मकड़ी घर के अंदर दरिद्रता को बांध कर रखती है और लक्ष्मी को आने से रोकती है। तो दोस्तों अगर आपके घर के अंदर मकड़ी के जाले हैं, घर की रसोई घर के अंदर मकड़ी के जाले हैं, तो तुरंत प्रभाव से उन जालों को सप्ताह में कम से कम एक बार आप अपने पूरे घर का ध्यान रखें और मकड़ी के जालों को या कॉकरोच को, ऐसे जानवरों को अपने घर से तुरंत हटा दें। अगर ये कीट पतंगे आपके घर के अंदर रहते हैं तो दोस्तों देवी देवता आपके घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करते और आपके घर को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों इसीलिए छिपकली को अच्छा प्रतीक माना गया, क्योंकि छिपकली दोस्तों इस प्रकार के कीट पतंगों, मच्छी, मक्खी इनको खा जाती है और हमें इनके बुरे प्रभाव से और इनके दुष्कर्मों से हमें बचाती है। इसी वजह से छिपकली को अच्छा प्रतीक माना गया है। लोग ऐसे ही डर जाते हैं लेकिन दोस्तों वास्तव में वह इन सारी बुराइयों को समाप्त करने का कार्य करती है। दोस्तों इसी तरह आपके घर के अंदर धन की देवी का प्रतीक झाड़ू रखा है, लेकिन दोस्तों झाड़ू टूट चुका है लेकिन उसके बाद भी आप उस झाड़ू को इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो दोस्तों तुरंत सावधान हो जाए। टूटा हुआ खंडित झाड़ू इस्तेमाल करना साक्षात घर के अंदर दरिद्रता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। और दोस्तों वह अगर आपके घर के अंदर ज़्यादा समय तक ऐसे ही रहता है तो आप देखते ही देखते दरिद्रता की तरफ चले जाते हैं। इसलिए झाड़ू को हमेशा नया और स्वच्छ घर के अंदर रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह जो व्यक्ति रात्रि को जूठे बर्तन छोड़ता है अपने घर के रसोई घर के अंदर, रोजाना का उसने नियम बना लिया है कि रात होने के बाद भी घर की रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन रह जाते हैं और उन बर्तनों को आप सुबह धोते हैं। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर लगातार यह हो रहा है तो दोस्तों आपको राजा से कंगाल बनते समय नहीं लगेगा। आपकी थोड़ी सी आलस्य की यह गलती आपको रंक बना देती है और आपको देखते ही देखते लाखों रुपए का नुकसान होने लगता है। इसीलिए कभी भी रात को रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन आपको नहीं छोड़ने चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आपको अपने घर की छत पर आपका कूड़ा करकट कंगाली का सामान रखते हैं, अपने घर की छत पर आप कुछ भी चीज़ें फेंक देते हैं तो दोस्तों ऐसे घरों के ऊपर भी लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। अपने घर की छत को हमेशा आपको स्वच्छ और साफ सुंदर रखना चाहिए ताकि वहां से देवी देवताओं का आगमन हो। अगर आप अपने घर की छत को गंदा और कूड़ा करकट से भरा हुआ रखते हैं तो कभी भी घर के ऊपर देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।